मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमें स्व प्रेरणा इस एक संकल्पना का अध्ययन करना है, जिसे हम अंग्रेजी में सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को स्व प्रेरणा या जो स्वयं प्रेरित लोग होते हैं, उन्हें अपने कामों में करने के लिए या अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किसी और के उत्तेजना की, किसी और के प्रेरणा की ज़रूरत नहीं पड़ती। वे स्वयं चलायमान होते हैं, स्वयं प्रेरित होते हैं और इसीलिए वे सफल हो पाते हैं। इसीलिए हर बार हर व्यक्ति को जब भी उसे किसी काम को करना है, किसी लक्ष्य को पूरा करना है, तो उसके लिए स्वयं प्रेरित होने की बेहद ज़रूरत मानी जाती है। प्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक प्रेरणा या जिसको हम स्व प्रेरणा कहते हैं, और दूसरा बाहरी लोगों से मिलने वाली प्रेरणा। तो स्व प्रेरणा और बाहरी लोगों से मिलने वाली प्रेरणा में कई बार हमें स्व प्रेरित होना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी और ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि स्व प्रेरणा जो होती है या सेल्फ मोटिवेशन जो होता है, वो हम हमारे हिसाब से, जब हमें जिस काम को करने के लिए हमारी खुद की प्रेरणा चाहिए, तब हम खुद की प्रेरणा का प्रयोग करके अगर काम करते हैं तो हम किसी पर आश्रित नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट है, खुद के लिए खुद काबिल है, ऐसा कह सकते हैं। इसीलिए स्व प्रेरणा की संकल्पना समझते हुए हम ये बोल सकते हैं कि स्व प्रेरणा या सेल्फ मोटिवेशन बिल्कुल उसी तरह होता है कि जैसे मम्मी, आपकी माता जी आपके सामने खाना परोस सकती है, लेकिन उस खाने को चबाना और खाना ये आप पर निर्भर करता है। अगर आप उस खाने को नहीं चबाते हो, नहीं खाते हो, तो वो स्वादिष्ट खाना आपके लिए बहुत बेस्वाद या बिल्कुल बेकार माना जाएगा, क्योंकि आप खा ही नहीं पा रहे हो, तो उसका आप लाभ ही नहीं ले पा रहे हो। उसी प्रकार से दुनिया की अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति आपके सामने अगर रखी गई है, कितने भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने रखी गई है, ऐसे अवसर जो किसी और को नहीं मिलते वो आपके लिए आ रहे हैं, लेकिन अगर आप उस अवसर का फ़ायदा नहीं उठा पाते हो, उस अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में भी अगर आप उसका लाभ नहीं उठा पाते हो, तो उस समय वो परिस्थिति जो दुनिया के लिए स्वर्णिम परिस्थिति थी, वो आपके लिए माटी मोल हो जाएगी, क्योंकि आपने स्व प्रेरित कर, आपने उस काम को करने की प्रेरणा लेकर उस अवसर को नहीं उठाया या उस अवसर के हिसाब से काम नहीं किया। इसीलिए स्वयं प्रेरणा या जिसको हम स्व प्रेरणा भी कहते हैं, वो हर व्यक्ति के जीवन में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, और इसीलिए स्व प्रेरणा का अध्ययन हमें कौशल विकास इस सब्जेक्ट के अंतर्गत करना है। तो स्व प्रेरणा, एक जो व्यक्ति होता है जो स्वयं प्रेरित होता है, उसके जो कार्य करने का तरीका होता है, उसके जो उसके जो अचीवमेंट्स होती है, उसकी जो उपलब्धियां होती है, वो दर्शाती है कि यह व्यक्ति खुद से स्वयं चलायमान है, स्वयं प्रेरित है। अब ये कैसे होता है, यह स्वयं प्रेरणा भी या स्व प्रेरणा भी कहाँ से हासिल की जा सकती है, उसके कारक घटक कौन कौन से होते हैं, मतलब स्व प्रेरणा भी एक व्यक्ति कैसे हासिल कर सकता है, उसमें बाहरी लोगों का कोई मतलब हाथ होता है क्या, ये अब हमें देखना है, जिसके लिए हम देखेंगे स्व प्रेरणा के कारक घटक या जिसको हम फैक्टर्स ऑफ सेल्फ मोटिवेशन भी कह सकते हैं, कि कौन कौन से घटक प्रेरक साबित होते हैं एक व्यक्ति के लिए, या जो स्वयं प्रेरणा या स्व प्रेरणा निर्माण करनी है, तो उन घटकों का आधार वहां पे लिया जाएगा। तो सबसे पहला घटक यहाँ पे बताया गया है, माता पिता का निर्देशन व सलाह। माता पिता घर में हमें, जब भी हम कमज़ोर पड़ जाते हैं या किसी काम को करने के लिए खुद को हतबल पाते हैं, असमर्थ पाते हैं, उस समय आपके घर में जो आपको सही सलाह देगा और जिसमें कोई भी स्वार्थ नहीं होगा या कोई भी ऐसी भावना नहीं होगी जो आपको नीचे गिराए, मतलब निस्वार्थ भाव से सही सलाह अगर कोई आपको देगा, सही निर्देशन अगर कोई आपको देता होगा, तो वो आपके घर में आपके पेरेंट्स आपको देते हैं। इसीलिए अपने पेरेंट्स की सलाह लें, उनका निर्देशन माने, और उस निर्देशन एवं सलाह के आधार पे फिर जैसे
अगर आप हतबल हो चुके हैं, आप हताश हो चुके हैं, ऐसे परिस्थिति में अगर आपके मम्मी पापा आपको एक प्रेरित करते हैं, आपको आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी जो कैपेबिलिटीज है, उन क्षमताओं से अगर अवगत कराते हैं, तो आप में एक स्वयं ऊर्जा निर्माण होती है और उस ऊर्जा के आधार पे आप स्वयं प्रेरित होते हो और फिर से डट के मुकाबला करने की कोशिश करते हो। इसीलिए स्व प्रेरणा के कारक घटकों में माता पिता का निर्देशन एवं सलाह महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है पारिवारिक वातावरण। आपका परिवार कैसा है या आपके परिवार में आपको मतलब आप अगर किसी क्षेत्र में हार भी जाते हो, मतलब किसी अवसर आपको किसी अवसर को सही तरीके से स्वर्णिम अवसर में तब्दील न करते आके अगर आप उस क्षेत्र में पीछे आ जाते हो, फिर भी अगर आपका परिवार आपको सपोर्ट करता है, आपको सहायता प्रदान करता है और आगे बढ़ने की अगर आपको सलाह देता है और साथ में आपके खड़े रहता है, तो ऐसे पारिवारिक वातावरण में व्यक्ति हताश न होते हुए बार या जिसको हम कहते हैं बार बार वह स्वयं प्रेरित होते रहता है। उसके बाद है बड़ों का संपर्क। अब ये बड़ों के संपर्क में आपके माता पिता, आपके परिवारजन, आपके जो भी स्नेही स्वजन हैं, आपके शिक्षक या गुरुजन, आपके जो भी मतलब आपसे उम्र में बड़े हैं, जिनका अनुभव आपसे बड़ा है, जिनका ज्ञान की कक्षाएं आपसे बड़ी है, ऐसे सभी व्यक्तियों का अंतर्भाव बड़ों में आता है या संकल्पना जो हमने देखी है, जिसको हम कहते हैं कि हमसे जो बड़े लोग होते हैं उनके हमेशा संपर्क में रहना चाहिए, क्योंकि उनका ज्ञान, उनके अनुभव हमें, जो जैसे कहा जाता है कि हमारे जो बड़े भाई बहन होते हैं उनकी अगर कोई कमी है, उनकी अगर कोई कमजोरी है, वो अगर किसी क्षेत्र में मतलब विफल हो चुके हैं, तो उनकी कमजोरियों से, उनकी विफलताओं से हमने सीख लेनी चाहिए। तो इसीलिए जब हम बड़ों के संपर्क में रहेंगे, आप अपने गुरुजनों के संपर्क में रहेंगे, आप अपने भाई बहन के संपर्क में रहेंगे, आप अपने जो भी स्नेही स्वजन है, आपके रिलेटिव्स है, उनके अगर संपर्क में रहेंगे, तो उनको जो अनुभव आए हैं उस क्षेत्र में, वो अपने अनुभव आपसे साझा कर सकते हैं और उस अनुभव के आधार पे आप अपनी एक नई दिशा निर्माण करके कि अगर ये ऐसा हो करता हूँ मैं या करती हूँ तो इसमें विफलता आ सकती है, तो वो ना करते हुए हम कोई नई तकनीक उपयोग में ला के अगर अपना काम शुरू करते हैं, तो आप निश्चित ही वहाँ पे सफलता हासिल कर सकते हो। इसीलिए बड़ों का संपर्क होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको उनका ज्ञान और अनुभव मिलता रहे। उसके बाद है संरक्षक एवं शुभचिंतक, जिसको हम वेल विशर्स कहते हैं। तो ऐसे भी कुछ लोग आपके लिस्ट में होने चाहिए जो आपके मतलब जो ब्लड रिलेशन से आपका कोई भी उनसे संबंध ना हो, या कोई भी मतलब आपकी उनसे कोई लेना देना ना हो, लेकिन फिर भी उनके मन में आपके लिए एक अच्छा भाव है, वे चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा करें, जिसमें आपके टीचर्स में एक अच्छा रोल अदा करते हैं, तो ऐसे शुभचिंतक भी आपके लिस्ट में, कॉन्टैक्ट लिस्ट में होने चाहिए, जो आपको समय समय पर दिशा निर्देशित करे और जिसके आधार पे आप बस उनका इतना कह देना कि तुम कर सकते हो, अगर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, बस ये एक लाइन भी आपको स्व प्रेरित करने के लिए काफी होती है और आप अपने काम में 100% देने के लिए तत्पर हो जाते हो। इसीलिए संरक्षक एवं शुभचिंतकों का होना भी जरूरी है और वे कारक घटक है प्रेरणा निर्माण के। उसके बाद है सकारात्मक सोच। अब सकारात्मक सोच इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि कई बार कई परीक्षाएं, कई ऐसे जो क्षेत्र होते हैं, अवसर होते हैं नौकरियों के, वो ऐसे होते हैं कि एकदम पहली अटेम्प्ट में आपको हासिल नहीं होते, वहाँ हमें बार बार प्रयास करना पड़ता है, बार बार हमें कोशिश करनी पड़ती है, तब जाके वो सफलता हमें हासिल होती है। और जब मतलब बार बार की कोशिश के बाद वो सफलता हासिल होती है, तो उसका जो एक फल होता है, उसका जो एक अनुभव होता है, उसका जो एक आस्वाद होता है, वो बहुत ही मीठा होता है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए वो बार बार अटेम्प्ट देने के लिए, बार बार कोशिश करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारी सकारात्मक सोच, क्योंकि बाहरी दुनिया आपको ये साबित करने पे लग जाती है कि आप उस परीक्षा के लिए नहीं बने, आप उस नौकरी के लिए नहीं बने, आप उस पोस्ट के लिए नहीं बने, आप कोई और चांस ले लीजिए, कोई और दूसरा परीक्षा ट्राई कर लीजिए। लेकिन आपको खुद की सकारात्मक सोच बरकरार रखनी होती है कि मैं इसी के लिए बनी हूँ, मैं इसी कार्य के लिए बनी हूँ और मैं ये करके रहूँगी, तभी जाके आप
बाहरी लोगों के कितने भी प्रताड़ना होने के बाद भी वो काम अच्छे से कर पाते हैं। और इसका आधार होता है सकारात्मक सोच, या जिसको हम एक पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। हमेशा किसी भी चीज़ को, जैसे हमने उस दिन एक पानी का ग्लास का उदाहरण लिया था, कि जो नकारात्मक सोच वाले होते हैं वो आधा खाली है वे देख बैठते हैं, लेकिन जो सकारात्मक सोच रखते हैं वह व्यक्ति यह देखते हैं कि वह आधा पानी से भरा हुआ ग्लास है जो किसी पैसे की प्यास बुझा सकता है, और वहां पे आधा पानी जो रखा हुआ है वो सफिशियंट है, पर्याप्त है। तो ये होता है सकारात्मक सोच। उसके बाद मित्र समूह, स्वयं प्रेरणा के कारक घटकों में मित्र समूह इसलिए कहा गया है। आज के दुनिया में वैसे कठिन माना जाता है कि जो सच्चे दोस्त आपको मिले, लेकिन फिर भी कई ऐसे भाग्यवान लोग होते हैं जिनके पास सच्चे दोस्तों की कमी नहीं होती। जो अगर आप स्टेज पे जाके अगर ये लेते हो, मतलब किसी चीज़ का पारितोषिक अगर आपको मिल रहा है, तो आपके लिए कि हमारा दोस्त, हम भले ही वहाँ तक ना जा सके लेकिन हमारा दोस्त गौरवान्वित हो रहा है, और उसमें खुद का गौरव मानने वाले लोग ही इस दुनिया में होते हैं। और ऐसे लोग, ऐसा मित्र समूह आपको स्वप्रेरित करने के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि उनके आँखों की चमक आप जब स्टेज से देखते हो कि आपके दोस्त आपके लिए कितने ज़ोरों से तालियाँ बजा रहे हैं, तो वो आपके दोस्तों के तरफ से मिला हुआ प्रोत्साहन आपको और अच्छा करने की और एक कदम आगे बढ़ने की आपको प्रेरणा प्रदान करता है। इसीलिए प्रेरक घटकों में, कारक घटकों में सच्चे दोस्तों का समूह भी एक घटक माना गया है। उसके बाद है स्वजागरूकता, जागरूकता। अब ये तो स्वजागरूकता हमें होनी ही चाहिए। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि कोई आपको, मतलब जैसे थाली में खाना परोस के दे सकता है, बट आपको खाना तो खुद ही है, वैसे ही किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी लक्ष्य को अवधि में पूरा करने के लिए आप स्वजागरूक होना चाहिए। आप खुद से आपकी जागरूकता होनी चाहिए, तभी वो काम कर सकते हो। क्योंकि कोई भी लक्ष्य, कोई भी जो गोल है, उसको हम तभी अचीव कर पाते हैं जब हमें खुद उस गोल को पाने की चाह है, और उसके लिए स्वजागरूकता महत्वपूर्ण एक घटक माना गया है। उसके बाद है ज्ञान एवं बुद्धि अर्जित करें। इसके लिए आप कई किताबें पढ़ सकते हैं। आप किताबें पढ़ने में भी कई ऐसी प्रेरक किताबें होती है जिससे कई लोगों के जो जीवन के अनुभव होते हैं, उन जीवन के अनुभवों से आप प्रेरणा हासिल कर सकते हो, और उन प्रेरक घटकों से, उन प्रेरक अनुभवों से, कथाओं से, कहानियों से आप अपने आप को एक सही दिशा दे सकते हो। इसीलिए कई बार ऐसी जो दिशा दर्शक किताबें होती है वो आपने पढ़नी चाहिए। अखबार आप पढ़ सकते हो। अखबारों में कई बार हमें ऐसी घटनाएं दिखती है। कई बार आप अगर वहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीए का प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो, तो हर साल जब दो बार सीए की एग्जाम होती है, तो उस दोनों बार में जब रिजल्ट लगता है तो अखबार में आपको पहले पेज पे दिखाई पड़ेगा कि रिक्शा वाले की बेटी ने सीए में टॉप किया, या किसी मतलब मजदूर की बेटी ने या बेटे ने सीए में टॉप किया है। तो ये सब जो खबरें होती है अखबार की, ये आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा प्रदान करती है कि अगर कोई एक प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपनी चाह को आगे रख के काम कर सकता है, तो मैं भी कर सकती हूँ, या मैं भी कर सकता हूँ। इसीलिए ज्ञान एवं बुद्धि अर्जित करते रहना चाहिए, चाहे वो किताबों से हो, अखबारों से हो। अब किताब एवं अखबार पढ़ना लोगों ने कम कर दिया है, अब सबसे ज़्यादा चलता है मोबाइल में। तो वहाँ पे भी कई ऐसे ऐप होते हैं जिसमें आपको अखबार जैसी सुविधा मिलती है, तो वो सारे जगहों से आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं और बुद्धि अर्जित कर सकते हैं, जिससे आप बार बार प्रेरित होते रहे और अपना लक्ष्य पा सके। तो स्वप्रेरणा की संकल्पना एवं कारक घटकों के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं स्वप्रेरणा की तकनीक क्या होती है, किन टेक्निक्स को हमने यहाँ पे उपयोग में लाना है जिससे हम स्वप्रेरित होते रहे। तो सबसे पहली तकनीक है कि आप अपनी घर की, या अपनी जो भी आपकी पढ़ाई की जगह है, जो भी आपकी बार बार बैठने वाली जगह है, वहाँ पे ऐसी प्रेरणा देने वाली कोई फोटो लगाइए, कोई ऐसी लाइन लगाइए, या कोई ऐसी सुविचार लगाइए जिससे आप स्वयं प्रेरित होते रहे। मतलब किसी और को आपको बोलना ना पड़े, या आपका जो रोल मॉडल है, आप जिसके जैसे बनना चाहते हो, उसकी तस्वीर लगाइए। इससे क्या होगा कि आप हर घड़ी हर पल स्वयं प्रेरित होते रहेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अपनी उचित योजना बनाइए।
जिस काम को आपको करना है, जिस लक्ष्य को पूरा करना है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक योजना बनानी पड़ेगी, तो वो योजना बनाइए। उसके बाद है कि असफलताओं से हताश ना होइए, बल्कि असफलता आपको क्यों मिली, क्यों आपको असफलता का यहाँ पे मुकाबला करना पड़ा, उसका विश्लेषण कीजिए, एनालिसिस कीजिए, अपने असफल होने के कारण ढूंढिए और आगे बढ़िए। उसके बाद का जो पॉइंट है, भूतकाल की गलतियों से कुछ सीखिए और वो गलतियाँ डबल ना दोहराइए, तो आपको आगे जाके सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। उसके बाद है, खुद पर विश्वास रखें कि आप ये काम कर सकते हैं और आप ही इस काम के लिए बने हैं, तो आप स्वप्रेरित होकर हर काम को कर सकते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि खुद से प्यार करें, अपनी सफलताओं को एक जगह पर लिख के रखें, भले ही वो सफलता छोटी क्यों ना हो, लेकिन आप दुनिया के लिए छोटी होगी, लेकिन आपके लिए वो सफलता बड़ी है, आपकी वो सफलता है, अचीवमेंट है, छोटी से छोटी अगर ट्रॉफी है, मेडल है, भले ही वो मेडल नकली क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपको मिला हुआ मेडल है भाई, तो उसको संभाल के रखिए, उसको बार बार देखिए कि ये मेरी उपलब्धि है। अगर आपको आपकी उपलब्धि अपनी आँखों के सामने बार बार दिखती है, तो आप प्रेरित होते हो उससे। एक ट्रॉफी अगर आपको ज़िंदगी में मिल जाए, तो आपको बार बार ऐसी ट्रॉफियाँ मिलने की एक चाह निर्माण हो जाती है, और बस आप सोचते हो कि ट्रॉफी कहाँ मिलेगी, ट्रॉफी कहाँ मिल सकती है, और उसके लिए आप कोशिश करना शुरू कर देते हो। जैसे हमारे महाविद्यालय में कई सब्जेक्ट्स पे आपको पारितोषिक दिया जाता है, ट्रॉफी दी जाती है, और आप वो ट्रॉफी पाने के लिए, पारितोषिक पाने के लिए उस विषय का अच्छा अभ्यास करते हो, अच्छी पढ़ाई करते हो, या फिर आप अपने आप को ओवरऑल एक अच्छा स्टूडेंट ऑफ द ईयर साबित करना चाहते हो, तो इन सब कार्यों के लिए आप तत्पर हो जाते हो, और वो ट्रॉफी, वो जो पारितोषिक है, वो आपको न मिलते हुए भी अपने घर के जो भी शोकेस है वहाँ पे दिखना शुरू हो जाता है कि ये तो ट्रॉफी मेरे ही घर के शोकेस के लिए बनी है, और तभी आप स्वप्रेरित होके हर एक अच्छा काम, हर एक लक्ष्य पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हो। तो ये सब टेक्निक्स है, तकनीकें हैं, भले ही आपको वो पारितोषिक ना मिला हो, पर महसूस कीजिए, जस्ट इमेजिन कि वो ट्रॉफी अपने ही घर में रखी है, और उसके लिए क्या करना है, तो जो काम करना है वो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो ये सब तकनीकें हैं स्वप्रेरित होने की। इसके बाद भी कुछ पॉइंट है कि जैसे नया कार्य हमेशा खोजे, नया कार्य करे, दुनिया से अलग करने की कोशिश करे, और खुद को हमेशा अपडेट रखे। जैसे जो आपका मोबाइल है या मोबाइल फोन में आपने कुछ ऐप डाले होते हैं, एप्लीकेशंस होती है, वो भी कुछ दिनों के बाद अपडेट करने की मांग करते हैं। तो अगर आपका एक 10,000 का फोन या उसमें रहने वाले काम करने वाले ऐप अगर बार बार अपने आप को अपडेट करने की मांग करते हैं, तो ये जो हमारा बेशकीमती शरीर है या ये जो हमारा बेशकीमती मस्तिष्क है, इसे भी हमें अपडेट करना ही होगा। इसीलिए अपने आप को अपडेट रखें, अपने आप को नया बनाने की कोशिश करें, नए के साथ चलने की कोशिश करें, तो आप हमेशा ही सफलता हासिल करेंगे। तो प्रिय छात्रगणों, आज के इस वीडियो में हमने स्वप्रेरणा या सेल्फ मोटिवेशन की संकल्पना, उसके कारक घटक या प्रेरक घटक एवं स्वप्रेरणा की विभिन्न तकनीकों का अध्ययन किया है। मुझे आशा है आपको ये समझ आया होगा। शुक्रिया।